वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक हल्का फुल्का नाश्ता विथ पफ्ड राइस। चलिए देखते क्या क्या चाहिए। यहाँ मैंने लिए हैं पफ्ड राइस, चिलीज, करी पत्ता, मूंगफली, अनियन, कैप्सिकम, कैरेट, पीस, चॉप्ड टमेटोस। मैंने दो अंडे भी लिए हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप अंडे नहीं खाते हैं आप ना दें। हमें ये करना है, हमें पफ्ड राइस यानी मुरमुरे को रनिंग वाटर पे वॉश कर लेना है। यहाँ मैंने 1 टीस्पून ऑफ ऑयल डाला, उसमें मैं पहले मूंगफलियों को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। इन्हें हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा और ऑयल डाला मैंने। अब मैं इसमें डालूंगी चिलीज और करी पत्ता। देन चॉप्ड अनियंस और एक एक करके हम सारे वेजीज को भी डाल देंगे। पहले अनियंस को थोड़ी देर हम फ्राई कर लेंगे। हमें वेजीज को अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसमें मैं डालूंगी सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। और थोड़ी देर के लिए हम कवर करके छोड़ देंगे कुक होने के लिए। तब तक हम अंडों पे सॉल्ट डालेंगे और अच्छे से विस्क कर लेंगे। मैंने तवा पहले से ही चढ़ा रखा है, वो गर्म हो रहा है। हमें दोनों अंडों का एक ऑमलेट तैयार करना है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। और विस्क किया हुआ अंडा तवे पे डाल देंगे। हमारे वेजेस काफी हद तक पक चुके हैं, उसमें हम अभी हल्दी डालेंगे। 1/4 टीस्पून ऑफ हल्दी, 1/4 टीस्पून ऑफ धनिया एंड 1/4 टीस्पून ऑफ जीरा पाउडर। इस तरफ हमारा जो अंडा है वो अच्छे से पक चुका है। अब वेजेस पकने के बाद हम उसमें पफ्ड राइस मिक्स कर देंगे। ये रेसिपी मैंने अपने सासू माँ से सीखा। हम अच्छे से पफ्ड राइस को मिक्स कर लेंगे। इसमें अभी हम नट्स डाल देंगे, मतलब मूंगफली, थोड़ा सा और सॉल्ट। सॉल्ट आप प्लीज अपने हिसाब से चेक करके डालिए। और ये रहा हमारा तैयार हो चुका है। जस्ट हमें वो जो हमने ऑमलेट बनाए थे उसे मिक्स करना है। हमने ऑमलेट को छोटा छोटा तोड़ लिया है और हम पफ्ड राइस के साथ मिक्स कर देंगे। ये रहा हमारा नाश्ता तैयार। है ना इजी? और ये बहुत लाइट नाश्ता है। आप घर पे बनाइए, खाइए और मेरे साथ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर शेयर कीजिए कि कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।